one YouTube channel worth of more than 370 करोड़ ऑफ रुपीस। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है भावेश, यू आर वॉचिंग आस्क भावेश मराठी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग YouTube से कैसे अर्निंग कर सकते हो और किस किस सोर्सेस से आप YouTube के जरिए अर्न कर सकते हो? आप में से काफी सारे लोग अर्न करते भी होंगे, शायद तक सिर्फ मोनेटाइज से, या फिर कुछ लोग होंगे तो वो अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करते होंगे, या फिर उसे थोड़ा अल्ट्रा लेजेंड की तरफ हम जाए तो वो लोग अर्निंग करते होंगे प्रमोशन से या फिर स्पॉन्सरशिप से। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इससे भी ज़्यादा तरीके हैं अर्निंग के, और YouTube पे जो बिजनेस माइंड वाले जो लोग हैं ना, वो कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइबर्स नहीं कहेंगे, वो हमेशा कम्युनिटी या फिर ऑडियंस कहेंगे। जी हाँ, और वैसे भी आप लोग ऑडियंस हो और कम्युनिटी हो। कम्युनिटी किस तरह की होती है? सपोज अगर कोई चैनल है कुकिंग रिलेटेड, जो उस पर व्यूवर्स होंगे या फिर जो उस पर सब्सक्राइबर्स होंगे, वो कम्युनिटी हुई एक कुकिंग से रिलेटेड, या फिर कहे एक चैनल है जो कि फिटनेस से रिलेटेड है और उस पर ऑडियंस भी होंगी फिटनेस से रिलेटेड, वो कम्युनिटी कहलाएगी या फिर एक ऑडियंस कहलाएगी जहाँ पे सिर्फ फिटनेस फ्रीक लोग होंगे। हम उन्हें सब्सक्राइबर्स नहीं कहेंगे क्योंकि एक कम्युनिटी बन चुकी है, जैसे क्योंकि वो सारे उस चैनल पे आए हैं क्योंकि उन्हें एक तरह का कंटेंट मिल रहा है और जो उन्हें पसंद है वही उन्हें वहाँ पे मिल रहा है। सो मेरी एक बात याद रखना, ट्रीट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज अ बिजनेस, नॉट जस्ट वीडियो शेयरिंग और फोटो शेयरिंग ऐप। तो इस वीडियो में आपको मैं अर्निंग के तरीके तो नहीं बताऊंगा, मतलब जितने पता है वो तो ठीक है, बट मैं एक्स्ट्रा तरीके से बताने या फिर अर्निंग से यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि एक चैनल जिस पे अभी 100K से थोड़े बहुत ऊपर सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स आपके लिए, ऑडियंस दूसरों के लिए। तो ऑडियंस है 100K से थोड़ा ज़्यादा, तो उस चैनल को किसी और कंपनी ने ओन कर लिया, मतलब खरीद लिया, और उसकी प्राइस थी 50 मिलियन। जी हाँ, 50 मिलियन में वो चैनल खरीदा गया किसी और कंपनी के द्वारा, और वो चैनल है प्रेप लैडर। तो इसे खरीदा किसने? और इसके जो ऑडियंस है वो तो सिर्फ 100K से थोड़े बहुत ऊपर है, फिर भी इस चैनल को 50 मिलियन में खरीदा गया। तो इस चैनल को खरीदा है अन एकेडमी ने। आप में से काफी सारे लोग कंपनी को जानते ही होंगे, अन एकेडमी। यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑडियंस है जो सिर्फ सीखने के लिए आती है, और काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे टीचिंग के लिए होते हैं। तो हाल ही में अन एकेडमी ने सोचा कि अगर क्यों ना ये जो प्रेप लैडर चैनल है हम इसे खरीद ले, और उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि इस प्रेप लैडर चैनल पे ऑलरेडी ऑडियंस है, और ऐसी ऑडियंस है जो JEE मेंस या फिर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, फार्मेसिस्ट के एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, इस चैनल से कनेक्टेड है, क्योंकि उनको इस चैनल पे ट्रस्ट है, क्योंकि जब जेन्युइन कंटेंट कोई भी देखता है तो उसे पसंद आएगा और वो इनके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो यही सोचा अन एकेडमी ने, क्यों ना हम ऑलरेडी बिल्ड कम्युनिटी खरीद ले। तो यही सोचा अन एकेडमी ने, क्यों ना हम ऑलरेडी बिल्ड कम्युनिटी खरीद ले, एक और प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पे हम हमारी ऑडियंस को भी भेज सकते हैं, और जो इस पहले वाले प्रेप लैडर चैनल पे जो ऑडियंस है उन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करें, मतलब कि अन एकेडमी की तरफ। तो अगर आप चाहो तो अभी भी आप प्रेप लैडर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको अभी भी वही सारे टीचर्स, वही सारे मेंटर सबको मिलेंगे जो पहले थे, बट वो भी अंडर काम करेंगे अन एकेडमी के। तो बस आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपके तक पहुँचाता रहूँ। और जाने से पहले मेरे
दूसरे वाले व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस और कुछ नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, या फिर कुछ अगर सजेशन चाहते हो तो वो मुझे आप भी बताओ, और अगर कुछ देना चाहते हो सजेशन तो मुझे भी दे सकते हो। तो अब रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है।